हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीके क्लासेस में। सेमीकंडक्टर सीरीज के पहले दो वीडियो में हमने वैलेंस बैंड थ्योरी और सेमीकंडक्टर के थ्रू पास होने वाली करंट की मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर को एक्सप्लोर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में समझते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें कोई दूसरा एटम नहीं होता। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन क्रिस्टल। सिलिकॉन क्रिस्टल एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है क्योंकि उसमें सारे एटम सिलिकॉन एटम ही होते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिनमें एक्सटर्नली इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ये एक्सटर्नल इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी चेंज कर देती है और इस चेंज कंडक्टिविटी का इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काफी यूज होता है। इस एक्सटर्नल एडिशन को डोपिंग कहते हैं। टाइप ऑफ डोपिंग के बेस पर सेमीकंडक्टर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में ट्राइवेलेंट एटम्स जिनके लास्ट ऑर्बिट में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, फॉर एग्जांपल बोरॉन एटम को सिलिकॉन एटम में ऐड कर देते हैं। अब क्योंकि ट्राइवेलेंट एटम के लास्ट ऑर्बिट में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं तो तीन इलेक्ट्रॉन नेबरिंग एटम के साथ शेयर हो जाते हैं। अब अगर आप देखें तो नियर बाय सिलिकॉन एटम के आउटर ऑर्बिट में एक वैकेंसी रह जाती है क्योंकि बोरॉन के लास्ट ऑर्बिट में केवल तीन इलेक्ट्रॉन है जिसे होल कहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ट्राइवेलेंट एटम को ऐड करने पर हम होल्स क्रिएट कर सकते हैं। ये ट्राइवेलेंट एटम एक्सेप्टर एटम कहलाते हैं क्योंकि ये होल्स को डोनेट करते हैं जिनका चार्ज इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। इसी तरीके से पेंटावेलेंट एटम, फॉर एग्जांपल फास्फोरस जिसके लास्ट ऑर्बिट में पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको सिलिकॉन एटम में ऐड करके एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं। फास्फोरस के चार इलेक्ट्रॉन नियर बाय एटम से शेयर हो जाते हैं। और अगर आप देखें तो लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन के जैसे एक्ट करता है और मेटल में फ्रीली घूम सकता है। तो हम देख सकते हैं कि हर एक पेंटावेलेंट एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट करता है जो कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में फ्रीली घूम सकता है। इस पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करके एक्सेसिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में क्रिएट हो जाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।